सहारा प्रणाम, मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीकांत त्यागी की, और उनके घर पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मामला वीआईपी हो या फिर आम, बुलडोजर थमेगा नहीं। और आज देखिए बुलडोजर का इंसाफ। तो एक बार पूरा मामला आपको बता दें कि नोएडा की ओमेक सोसाइटी में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की ओर से महिला के साथ गुंडई करने और धमकाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है, लेकिन आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं अब पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ ओमेक सोसाइटी में आरोपी का अवैध निर्माण घर बुलडोजर चल गया है। उधर श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फरार आरोपी की तलाश में अब स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया गया है। सर्चिंग में ये पता चला है कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए श्रीकांत का फोन ऑन किया गया था और फिर बंद हो गया। आपको बता दें कि रविवार शाम को सोसाइटी के 10 से ज्यादा उपद्रवी घुस गए और जमकर सोसाइटी में बवाल काटा, जिसकी सूचना सोसाइटी वालों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और 6 से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सोसाइटी के लोगों ने यह बताया कि सभी लड़के अपने साथ लाठी डंडे लेकर आए थे। उन्होंने सोसाइटी में पथराव भी किया। जब पुलिस पहुंची तो सारे लड़के भाग गए। फिलहाल पुलिस ने लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा से विधायक पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे। सोसाइटी के लोगों से बातचीत कर मामला शांत कराया गया। और आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर एडीजी का क्या कुछ कहना है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता के को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है
कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नोएडा की ओमेक सोसाइटी में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की ओर से महिला के साथ गुंडाई करने और धमकाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। और लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव सिंह जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव, आपके पास आते हुए एक बार पूरी खबर पे अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि जो त्यागी है, ये श्रीकांत त्यागी, जिस पर अब एसटीएफ भी लगी हुई है, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ पर एक गठित हुई है, जिसकी लोकेशन लगातार तराश रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए इसका फोन ऑन हुआ था हरिद्वार में, उत्तराखंड में। फिलहाल ये कहाँ पर है, क्योंकि फरार चल रहा है, पूरे मामले में अपडेट एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी की जो फरारी है वो पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है, और यही कारण है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए 12 से ज्यादा टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार जो है दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पहले जो है, यानी कि शनिवार की बात कही जा सकती है या फिर रविवार की सुबह की अगर बात कहें, तो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे जो है, उसमें लखनऊ भी शामिल है, नोएडा पुलिस ने दबिश दिया था, लेकिन रविवार को उसके लोकेशन जो है ऋषिकेश में मिला है। और उस यही ने हरिद्वार में जो है एक सिटी टीवी में जो फुटेज है उसमें भी जो है श्रीकांत त्यागी की फोटो जो है कैप्चर हुआ है। तो वहां से टीम जो है कल ही जो है उत्तराखंड के लिए भी रवाना हो चुकी है, वहां भी लगातार जो है दबिश दी जा रही है। और कल की अगर बात की जाए और अभी आज तक, तो यानी कि 24 घंटे में करीब 14 बार से ज्यादा जो है उसके फोन स्विच ऑफ हुए हैं और ऑन उसने किया है। और इसके ऊपर जो है नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। कह सकते हैं कि शासन ने जो है इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और साफ आदेश भी दिया है कि श्रीकांत त्यागी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक है वो खुद इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इस पूरे प्रक्रम में अभी तक जो है जो प्रभारी निरीक्षक समेत जो है 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं, जिनमें से कि 5 जो पुलिसकर्मी हैं घटना के बाद वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें कि उनकी लापरवाही सामने आई थी, इसको देखते हुए जो है इनको निलंबित किया गया है। इसके अलावा जो अपार्टमेंट है वहां पे जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन पे जो है विशेष निगाह भी रखी जा रही है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है जिस तरह से बीजेपी के जो सांसद है महेश शर्मा, उनका भी बयान आया। इसके अलावा ये कह सकते हैं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी जो है इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण को जो है खुद मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के डीजीपी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है, जब भी जो है 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और इसकी गिरफ्तारी के लिए 12 से ज्यादा टीमें भी गठित की गई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती निश्चित रूप से है, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ यहां पर गठित हुई है और अब श्रीकांत त्यागी को खोजने की लगातार कोशिश हो रही है। कुछ इसे बीजेपी नेता बोल रहे हैं, विपक्ष की ओर से लगातार बीजेपी नेता बोला जा रहा है, लेकिन हाँ, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कि नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी का नेता नहीं है ऑफिशियल ढंग से। ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ऑफिस में, कार्यालय में श्रीकांत त्यागी के फोटो है, बड़े नेताओं के साथ ओम बिरला के साथ है, स्वतंत्र देव सिंह के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है, और ऐसा नहीं कि भीड़ के साथ कोई फोटो हो, पर्सनल फोटो है, माला पहनाते हुए फोटो वायरल हो रहे हैं कार्यालय में, तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखें? देखिए पूजा जी, जो ये मामला हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकांत त्यागी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पूरी पार्टी जो है एकदम हरकत में आई, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा, मुख्य सबसे मुख्य एजेंडा महिला सुरक्षा रहा है, और महिला सुरक्षा पे जहाँ NCR जो काफ़ी ये कहिए कि डेवलप एरिया कहा जाता है, वहाँ इस तरह की इतनी हाईफाई सोसाइटी में इस तरह की घटना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उसमें सीधे सीधे आरोप लगा कि ये बीजेपी का नेता है, चाहे वो छुटभैया नेता रहा हो, बीजेपी जिस तरीके से आपने बताया भी, और तमाम नेताओं के साथ उसके फोटो हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो उसका जुड़ाव रहा है। तो कहीं पार्टी की फजीहत ना हो, इसको देखते हुए पार्टी
फोरम पे एकदम एचएम मोड में आई। सीएम का बिल्कुल सीधे एक तरीके से माना जाए, योगी ये चाहते हैं कि पार्टी पे कोई दब्बा ना लगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रवैया है उस पे दब्बा ना लगे, जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जाती है। तो शायद इसके तहत ही जो जो नेता, चाहे वो छुटभैया नेता रहा हो, अब तक पूरी धमक के साथ पूरे नोएडा में घूमता था, उसकी 24 घंटे में क्या स्थिति हो गई है, खुद संजीव अभी लखनऊ से बता रहे थे 25,000 का इनाम रख दिया गया है, तमाम एसटीएफ की टीम चाहे यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में हो उसकी तलाशी कर रही है, तलाश में जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला ऐसे देखा जा सकता है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को मुद्दा ना बना ले, इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने पूरा अपना राजनीतिक दाव खेला और पूरे हर तरीके से बड़े पुलिस अफसरों को, तमाम लोगों को ये हिदायत दे दी गई कि जल्दी से जल्दी श्रीकांत त्यागी जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए इतनी टीमें भी लगा दी गई हैं, जिस तरह से संजीव जानकारी दे रहे कि 12 से ज्यादा टीमें हैं जो कि उसके पीछे लगी हुई हैं, और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। आपके पास फिर से आएंगे यहाँ पर ब्रजेश जी। नोएडा से हमारे संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, पूरा अपडेट एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि बुलडोजर भी उसके कुछ अवैध निर्माण पर चला दिया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल सर, जिस तरीके से पुलिस ने पहले कुछ समय लिया, फिर उसके बाद जो डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा के जो सांसद है, गौतम बुद्ध सांसद है, उन्होंने 48 घंटे का समय लिया, उसके बाद भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो समय बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल देर रात्रि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग, मतलब कह सकते हैं कि श्रीकांत के लोग पहुंचे, वहां पर जाके वो बदसलूकी करते हैं और लोगों को धमकाते उठाते हैं और वही कुछ महिला से मिलने की कुछ करते हैं। जैसे इसकी जानकारी नोएडा पुलिस को मिलती है, नोएडा पुलिस मौके पर पहुंचती है और पांच छह लोगों को राहत में दी। जैसी इसकी जानकारी गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को मिलती, महेश शर्मा मौके पहुंचते, जिलाधिकारी पहुंचते हैं, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह जी वहां पहुंचते हैं, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं, उनसे फिर पहुंच के मामले को शांत करते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से अब नोएडा पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, वही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो उसके वकील है उन्होंने याचिका, मतलब उन्होंने वहां पे उसकी जमानत उनको पेश करने के लिए वहां पर अर्जी लगा दी। तो कहीं ना कहीं कह सकते जिस तरीके से अगर पहले इसके अगर गिरफ्तारी में हो जाती है, ये सब देखने को चीजें नहीं मिलती। नोएडा और गाजियाबाद के अंदर इसके खिलाफ 7 से 8 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है, अभी तक पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। ये पूरा मामला अब अपनी तवसीस के पास पहुंच चुका, अपनी तवसीस में खुद संज्ञान लेते हुए इस पर काम कर रहे हैं, वहीं एक दरोगा और 4 सिपाही को भी इसमें निलंबित कर दिया गया है। विजय, उस महिला के साथ जिसके साथ अभद्रता हुई है, उसे भी कोई सिक्योरिटी? जब रात्रि में वहां पर कोई सिक्योरिटी होती है, इस तरीके का हंगामा देता हूँ। अब फिलहाल वहां पे एक दर्जन से अधिक वहां पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, गेट के अंदर है, सोसाइटी के अंदर जहाँ पे उसने अवैध तरीके से निर्माण किया था वहां पे पुलिस मौजूद है, जहाँ पे महिला प्रैक्टिस के पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस की इसमें नाकामी रही है, पुलिस कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। जैसी पुलिस को जानकारी मिली कि नोएडा के कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, पुलिस ने उसको बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे विजय, आपके पास आएंगे। ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए कि क्या ये वाकई इतना बड़ा मामला था जितना इसे तूल दिया गया, या फिर जितना बड़ा मामला ये हो गया क्योंकि एक महिला के साथ अभद्रता हुई थी इस तरह की? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होती नहीं है इस तरह की चीजें, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, वो बीजेपी नेता कहलाया, क्या इस वजह से ये मामला तूल पकड़ता नजर आया? और हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो जरूर वायरल हो रहे हैं, वो मना भी कर रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी का ऑफिशियल कोई नेता नहीं है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मामला था कि एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई है और अब तक उसकी धरपकड़ नहीं हो पाई है? आप समझ रहे हैं कि कितने घंटे हो चुके हैं उसके पीछे सर्चिंग चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन उसकी धरपकड़ अब तक नहीं हो पाई है? क्या इतना बड़ा वो नेता है या व्यक्ति है? पूजा जी, इस पूरे मामले में तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सबसे पहली बात, जो महिला के साथ अभद्रता, आपने बिल्कुल सही बात कही कि तमाम ऐसे केसेस आते हैं कहीं जिस तरह से इफ्टीजिंग होती है महिलाओं को, स्कूली छात्राओं के साथ तमाम, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ और जो उसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया वो एक तरीके से मर्यादा के बिल्कुल परे था। बिल्कुल, अक्सर कई छोटी मोटी घटना हो जाती है, छेड़छाड़ की भी होती है, उस पर भी कार्रवाई करती है पुलिस, कार्रवाई करती है, लेकिन एनसीआर में मामला होना, उसके बाद
जैसी वीडियो जो आपका क्लिपिंग आई उसके बाद ये जुड़जाना को बीजेपी का कार्यकर्ता है, तमाम नेताओं के साथ उसके फोटो हैं, बड़े नेताओं को जाके, महेश शर्मा जैसे नेता को जाके इस बात को कहा गया कि वो बीजेपी से उसका लेना देना नहीं है। तीसरी चीज, उसका जो रौब था, उसकी जो दबंगई थी सोसाइटी में, उससे आज का जो सीन है उसको देख के साफ जाहिर होता है। जब आप देख सकती हैं कि जब उसके घर पर बुलडोजर जो अतिक्रमण था, बुलडोजर चल रहा था, तो सोसाइटी के लोग बाहर निकलकर आपस में मिठाई बांट रहे थे, खुश हो रहे थे। तो इससे साफ जाहिर है कि उसकी दबंगई थी, वहाँ लोगों के साथ दुर्व्यवहार रहा होगा उसका। और उसके साथ ही जो अतीत बताया, अभी विजय ने भी बताया, उसके ऊपर 5-6 से 7 मुकदमे भी रहे हैं, तो आपराधिक प्रवृत्ति, दबंगई प्रवृत्ति का वो व्यक्ति रहा है, ये बात साबित करता है। और इस तरह के लोग, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में, इस तरह के लोग सत्ता से अपना किसी ना किसी तरीके से संपर्क और संबंध बना के रखते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ब्रजेश जी कि क्या वो इतना बड़ा नेता है? चलिए ठीक है, वो किसान मोर्चा का क्योंकि उसे नेता कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं तथाकथित बीजेपी का नेता भी उसे कहा जा रहा है, लेकिन क्या पूरा तंत्र, जिस तरह से पुलिस की पूरी टीम उसके पीछे पड़ी है, क्या अब तक उसकी धरपकड़ वो नहीं कर पाई? क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन? क्योंकि देखिए पूरी एसटीएफ यहां पर लगी हुई है, स्पेशल टास्क फोर्स लगा हुआ है, 20 से ज्यादा टीमें हैं जो अब तक उसके पीछे लगी हुई हैं, लेकिन अब तक धरपकड़ नहीं हो पाई। विपक्ष की ओर से देखिए लगातार सवाल ही उठाए जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि पुलिस के पास पूरा तंत्र है और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, यानी कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पर विपक्ष ने लगा दिया है। प्रियंका गांधी की भी एक बाइट और एक ट्वीट उनका सामने आया है। पूजा, बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये देखना होगा कि अगर वो बड़ा नेता होता, बीजेपी से बहुत जुड़ाव होता, तो उसका नेटवर्क बीजेपी में होता, कहीं ना कहीं अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में होता। आज वो पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से पुलिस को चक्कर दे रहा है, कभी पता चलता है ऋषिकेश में, कभी पता चलता है हरिद्वार में, पुलिस के पास भी आज की डेट में खुफिया तंत्र के तौर पे मेरे ख्याल से सर्विलांस एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा पुलिस उस तक पहुंचेगी। लगातार जो सूचना मिल रही है, वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रख रहा है, एक दो बार को फ़ोन खुला, जब तक पुलिस पहुँचती जब तक वो वहाँ से निकल गया। तो जाहिर सी बात है, जो उसकी नज़दीकी लोग हैं, जो पुलिस का अपना एक सिस्टम होता है, उनको दबाव बनाकर या तमाम तरीके, जैसे आज सूरजपुर में भी पूरी कहीं सरेंडर ना कर दे वो, इससे पुलिस की किरकिरी हो कि भाई पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वो कोर्ट तक पहुंच गया। तो पुलिस लगी हुई है, और मैं जहाँ तक हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्द, क्योंकि पूरी तरह योगी लगातार, मुख्यमंत्री योगी लगातार इस बात पर अपडेट ले रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि जल्दी हो सकता है पुलिस की बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए पकड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता संजय भारद्वाज जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको जिस तरह से बता दें कि बहुत सारे फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी के वायरल हो रहे हैं, आपने देखे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन विपक्ष बहुत सारे सवाल यहां पर उठा रहा है। वो कह रहा है कि पूरा तंत्र है और उसके बावजूद उसकी धरपकड़ नहीं हो पा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से अब बुलडोजर चला दिया है उसके अवैध निर्माण पर, वो सिर्फ एक दिखावा है, यानी कि इस पूरे मामले को दिखावटी करार दिया है प्रियंका गांधी ने, कि अब तक क्या नहीं पता था बीजेपी को कि इस व्यक्ति का अवैध निर्माण है, ये पूरा मामला होने के बाद अब आप उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। संजय जी देखिए, विपक्ष को तो एक रस्म अदायगी करना है और उनकी रस्म अदायगी चालू है। सारे लोग जानते हैं कि पिछली सरकारों में अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण दिया जाता था और अपराधी खुलेआम कानून व्यवस्था को हाथ में लेते थे। आपने देखा होगा कि सीओ के ऊपर हमले हुए, सीओ को मारा गया। सर पिछली सरकार में क्या हुआ वो पिछला था, आज जो हो रहा है, श्रीकांत त्यागी कौन है? विपक्ष की जो बात आप बोल रही है ना, श्रीकांत त्यागी कौन है सर? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतनी तीव्र गति से कार्रवाई हुई है कि अपराधी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, तत्काल 4-4, 5-5 टीमें बना के अपराधी को खोज रही है, जहाँ जहाँ लोकेशन मिल रही है वहाँ वहाँ पुलिस दबिश कर रही है, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए सिख से सिख अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। उसको बचाने का संगठन या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में किसी की भी खामी को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपराधी किसी भी सीमा से बचेगा नहीं। संजय जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है कि अब क्यों अवैध निर्माण किया जा रहा है, ये दिखावा अब क्यों किया जा रहा है, तो इसका आंसर दीजिए कि क्या पहले नहीं पता था आपको कि ये जो तथाकथित नेता है
श्रीकांत त्यागी, जिस पर बहुत सारे मामले भी दर्ज हैं पहले से, आपराधिक मामले, 4 से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्योंकि बुलडोजर तो बहुत समय से हम देख रहे हैं कि जिसके भी अवैध निर्माण होते हैं उसपे, उसके घर पे अवैध, माफ कीजिएगा, बुलडोजर चलता है, तो ये अब क्यों, अब जिस तरह से वो फरार हुआ है, लगातार उसकी सर्चिंग जांच जारी है कि वो कहां पर है, उत्तराखंड में उसका फोन ऑन होता है। तो प्रियंका गांधी जी को एक पूरी सूची बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए कि कहां कहां अवैध निर्माण है। उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अरे जो जो संज्ञान में आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर कार्रवाई की। लोग आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सदस्य है, आरोप नहीं लगा रहे थे सर, ये फोटोज वायरल भी हो रहे हैं। देखिए आज के समय फोटो तो किसी भी नेता के साथ किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो फोटो में खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या उप नेता का संरक्षण उसे प्राप्त है। लेकिन विपक्ष के पास चुकी कोई आरोप नहीं है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः बोल रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी या समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास अवैध निर्माण की कोई सूची हो तो सरकारी संरक्षण में तैयार हुए हो, ऐसी सूची को माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देने का काम करें और देखिए कार्रवाई होती है कि नहीं होती। लेकिन ये लोग कुछ करेंगे नहीं, केवल मात्र विरोध के लिए विरोध करना, विरोध की रस्म अदायगी करना, अपराध को बढ़ावा देना, जनता को भ्रमित करना, मीडिया के बयानों में रहना, इसके अलावा विपक्ष के पास दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए कि ठीक है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती आई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी से जुड़ जाता है या उसके आगे तथाकथित नेता लग जाता है तो वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगता है कि वो किसी पर भी गुंडाई कर देता है, जैसे इस व्यक्ति ने किया। ये जो श्रीकांत त्यागी हैं, इन्होंने महिला के साथ अभद्रता की और अभद्रता करने के बाद किस तरह की गाली गलौज की, शायद हमने वीडियो में सुना है, किस तरह से वीडियो वायरल हुआ है वो सब हमने सुना है। तो ये क्यों होता है कि जब भी आप किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं या पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो आप खुद को एक बहुत बड़ा डॉन समझने लगते हैं, इस तरह की चीजें सामने आ जाती है और आप इस तरह की अभद्रता करने का आपको लगता है कि आपको राइट है, आप कुछ भी कर सकते हैं? पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जाता है समाज में कि सत्ता का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। और जो समझदार नेता होते हैं, समझदार कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने आप को इसमें संभाले रखते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं कि ये श्रीकांत जो था बीजेपी से जुड़ा हुआ था और इसने तमाम इस तरह से दबंगई की, सोसाइटी में अवैध निर्माण किया, और जिस तरीके से अवैध निर्माण किया तो नोएडा अथॉरिटी में कहीं ना कहीं वो दबंगई के बल पर ही किया होगा, क्योंकि छोटे छोटे अवैध निर्माण पर अथॉरिटी पहुंच जाती है। लेकिन तमाम लोगों का जो आरोप है वो उसकी ये शगल था कि इस तरह की हरकतें करना, लेकिन उसको इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं रहा होगा कि वो एक महिला से इस तरह की बदतमीजी कर रहा है और एक छोटा सा वीडियो उसकी पूरी जिंदगी और पूरे सिस्टम को बदल देगा। और जब उसने वीडियो जब जारी हुआ उसके बाद एकाएक तो थोड़ा सा मुद्दा बनने लगा ये कि भाई एक बीजेपी का कार्यकर्ता, तथाकथित कार्यकर्ता इस तरह की हरकत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैंने पहले भी कई बार देखा कि योगी छोटी छोटी चीजों को बहुत संजीदगी से लेते हैं। उन्होंने ये ट्वीट देखा होगा या ये वीडियो देखा होगा, तो जाहिर सी बात है जो काम पिछले कई साल में नहीं हुआ वो 24 घंटे में हो गया। तमाम पूरी फोर्स, एसटीएफ, पूरे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक साथ श्रीकांत त्यागी पर हमला बोल दिया। एक चुनौती बन गया श्रीकांत त्यागी, इतना बड़ा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई बड़ा नाम नहीं था, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या सोशल क्षेत्र में हो, कहीं भी नहीं हो, नोएडा में कोई उसको जानता भी नहीं, ऐसा जानता भी नहीं होगा उस क्षेत्र के अलावा, लेकिन वो उसकी एक छोटी सी हरकत ने उसका पूरा सिस्टम बदल दिया और आज स्थिति ये है कि वो अपनी जान बचाता हुआ घूम रहा है। तो क्योंकि अधिकारियों को भी दिखाना है कि कहीं एक बार बाबा की अगर नजर तिरछी हुई, जिस तरीके से बुलडोजर बिल्डिंग पर चलता है तो उसका असर ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन में उनके ऊपर हो सकता है। 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, अगर कुछ और देर होती है तो हो सकता है कुछ बड़े अफसर भी इस तरह के मामले में नप सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से सामने आ रहा है और इस मामले में टूल इसलिए क्योंकि देखिए ये वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ है, जिस तरह से श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है और वो भी एक छोटे से मामले पर, ये इतना जो मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि देखिए 6 ऐसे
पुलिसकर्मी है जिसे निलंबित कर दिया गया है। 25,000 का इनाम इस व्यक्ति पर घोषित कर दिया गया है श्रीकांत त्यागी पर। महिला को सिक्योरिटी दे दी गई है और पूरे सोसाइटी में कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल कब होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी, क्योंकि अभी फिलहाल लास्ट कह सकते हैं कि हरिद्वार में उसका फोन ऑन हुआ था, लेकिन कब होगी उसकी गिरफ्तारी इस पर रहेगी सभी की नजर। फिलहाल ब्रजेश जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। विजय नोएडा संवाददाता ने पूरी खबर की अपडेट हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। और संजीव भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, सारा बनाओ।